श्रीलंकन शहरी को हुजूम से बचाने की कोशिश करने वाला मलिक अदनान कौम का हीरो करार। वजीर आजम इमरान खान का बहादुर पाकिस्तानी शहरी को सलाम, तमगाए शुजात देने का भी ऐलान। ट्वीट में लिखा कि मलिक अदनान की शुजात और बहादुरी को सलाम पेश करता हूं, जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश की। सानिहा सियालकोट 19 मरकजी मुलजिमान में से 13 मुलजिमान का एक रोजा राहदारी रिमांड कल गुजरांवाला में दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। 124 अफराद जेरे हिरासत, इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाले अदनान इफ्तखार भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से हुई। NA 133 में पोलिंग के बाद गिनती जारी। इब्तदाई नतायज में नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक को बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल दूसरे नंबर पर। हल्के में कल 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। NA 133 जिमनी इलेक्शन माजूरी के बावजूद खातून व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने पहुंच गई। हौसला बढ़ाने के लिए लीगी कारकुन मोहम्मद फरहान दुल्हा बनकर वोट कास्ट करने पहुंचा। पोलिंग के आगाज पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वोटर्स के लिए तगड़े नाश्ते का इंतजाम किया। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर गौर हुआ। लॉन्ग मार्च के वक्त और तारीख का तयन पीडीएम के सरबराही इजलास करेगा। लॉन्ग मार्च से पहले पूरे मुल्क में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे करने पर इत्तेफाक। सिफारिशात कल पीडीएम के सरबराही इजलास में पेश की जाएंगी। जरदारों खुद भाग जाओ वरना आवाम भगाएंगे, मुराद सईद का उमरकोट में धुआंधार खिताब। कहा इनका दौर खत्म हो चुका, अब ये आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर आवाम को लूटा गया। सिंधी कार्ड खेलते हैं लेकिन काम नहीं करते। इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध के सरकारी मुलाजिम किसी के जाती मुलाजिम ना बने, बिला तफरीक आवाम की खिदमत करें। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते हैं, इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं इशू पर बनते हैं। MQM के आमिर खान की नून लीग के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हुकूमत NFC अवार्ड में हिस्सा लेकर तकसीम नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह करने के अलावा कुछ नहीं किया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं 18वीं तरमीम वक्त की ज़रूरत थी, नून लीग उसके पीछे नहीं छुपी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।